नमस्कार, स्वागत है आपका FPR न्यूज़ में। जी हाँ, आज श्री माधोपुर के ग्राम पंचायत कंचनपुर के सर्व समाज मोक्षधाम में गांव के सभी समाज के लोगों ने मिलकर आज मोक्षधाम कंचनपुर में साफ सफाई की व चारों तरफ पेड़ पौधों में पानी व दवाई ढाली गई। सभी लोगों ने मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की गई, आगे की योजना के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें, मुकेश कुमार यादव की तरफ से किसी भी समाज में मोक्षधाम में होने वाले दाह संस्कार में निःशुल्क ठंडे पानी के केन की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक दिन एक केन स्थायी रूप से मुकेश कुमार यादव की तरफ से निःशुल्क रखी जाती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष लगभग 1000 पेड़ मोक्षधाम में लगाए गए थे, जिनमें से लगभग 900 पेड़ अभी भी मौजूद हैं। अभी बरसात आने पर 300 पेड़ लगाने का लक्ष्य सभी कार्यकर्ताओं ने लिया। गांव के लोगों का सहयोग इस मोक्षधाम में लगातार बना रहा है। मोक्षधाम कार्यकर्ताओं महेश कुमार घिया ने बताया कि गांव कंचनपुर के सभी समाज के सहयोग से यहां सफाई को लेकर कार्यक्रम होते रहते हैं। कार्यकर्ताओं में सोहनलाल जांगीर, सतीश यादव, कृष्ण यादव, विनोद यादव, स्वाला सामोता, गीगराज कुमावत, नागरमल रतिराम यादव, लीलाधर कुमावत, संदीप जांगीर, धर्मपाल सहित कई लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मोक्षधाम के कार्यकर्ताओं के द्वारा 161 पेड़ अशोक के लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 65 पेड़ फुहारा जो बीच में बनाया जा रहा है, उस फुहारे के चारों तरफ 65 पेड़ और डंडे के नीचे 101 पेड़। जो भी कार्यकर्ता अपने हाथों से लगाना चाहे, ग्रामवासी जो भी अपने हाथों से लगाना चाहे, यहाँ मोक्षधाम पे आके लगा सकता है।